आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही कुरकुरा, बहुत ही क्रंची आलू का ब्रेकफास्ट। बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे, एक चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा बिल्कुल बारीक करके ऐड करेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम दो बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। आधा कप मटर ऐड करेंगे। लगभग 2 मिनट तक हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसके बाद अपना बीट रूट ऐड करेंगे, थोड़ा सा, थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे, थोड़ी सी बीन्स ऐड करेंगे। इसके साथ ही ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से मसाले में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल के इसको हम लगभग 2 मिनट तक और फ्राई करेंगे। तो हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब इसमें हम 4 से 5 उबले हुए आलू ऐड करेंगे बिल्कुल मैश करके, और 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई कर लेंगे। तो अब इसको हम अपना ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो एक बाउल में हम मैदा ऐड करेंगे। तो मैदे की जो क्वांटिटी है वो आप एक आधा कप से लेके 1 कप के बीच में रख सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके पानी के साथ इसका हम घोल रेडी करेंगे। पानी को धीरे धीरे करके ऐड करना है और आपको ध्यान रखना है आपका जो घोल है वो थोड़ा थिक होना चाहिए और घोल में लम्स बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरीके का आप घोल रेडी कर लेंगे हम। घोल हमारा रेडी हो गया है। अब अपने ब्रेकफास्ट को क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर ब्रेड क्रंच बना लेंगे। रोस्टेड ब्रेड को रोस्ट करके इसको हम पीस के ब्रेड क्रंच रेडी कर लेंगे। और हमारा जो आलू है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। इसको एक बार हम और मिक्स कर देंगे और अब इसको हम आकार देने वाले हैं। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको आकार दे सकते हैं। हल्का सा हम गोल करके इसको थोड़ा सा दोनों साइड से तिकोना कर देंगे। आप चाहें तो इसको गोल भी रख सकते हैं, जैसा चाहें आप वैसा इसको आकार दे सकते हैं। इसी तरीके से अपने हम सारे पीस रेडी कर लेंगे। तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब इन पे हम कोटिंग करेंगे। तो इसको हम डीप करेंगे अपने मैदा में। इसके साथ ही इसके ऊपर हम अपनी ब्रेड क्रंच की एक लेयर लगा देंगे। तो आपको 2 बार कोटिंग करनी है। तो ये प्रोसेस आपको 2 बार करना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्नैक्स हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छी ब्रेड की कोटिंग आ जाएगी। इसी तरीके से अपने सारे पीस हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए अब इनको हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल है जो हाई फ्लेम पे हीट करना है हमें, और अपने सारे पीस हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा ठंडा ना हो और ज़्यादा ही गर्म ना हो। इसको जो पकाना है आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। स्टार्टिंग में ऑयल को थोड़ा सा हीट रखना है और लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा जो स्नैक्स है वो रेडी हो गया है। आप देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही कुरकुरा क्रंची ब्रेकफास्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही कुरकुरे बने हैं ये। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। तो देखिए कितने शानदार ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।